नमस्कार, थैंक यू सो मच नमस्कार। संदीप पटनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव पर। ग्रैंड वेलकम क्रिकेट वाणी। निश्चित तौर पर सवाल का पिटारा बहुत है और कम से कम मैं आपको 40 सवाल पूछूंगा और उसके अंदर एक रैपिड फायर राउंड रहेगा जिसके अंदर हम इंटरनेशनल और आईपीएल के ऊपर आपको 5 सवाल करेंगे। मजा आएगा आज का एपिसोड, क्योंकि सबसे पहले तो एक शायरी मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत पे बदल ही जाता है। मेरे यार मुसीबत का हिम्मत पे सामना करना, समय कैसा भी है वो गुजर ही जाता है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। लेकिन आप क्रिकेट की मैदान पे कमाल का खेल आपने खेला है जिसके वजह से करेंट आप अभी रणजी मुकाबला खेल रहे हैं। थोड़ा सा आपके आंकड़े के बारे में मैं आपको बताऊं, संदीप प्रदीप पटनायक जो आपका फुल नेम है, मैं 17/1998 पे आपका जन्म हुआ था भुवनेश्वर पे। फर्स्ट क्लास कैरियर आपने डेब्यू किया था अक्टूबर 6, 2016 विदर्भा भाईजाक विशाखपाटना के मैदान पे। लिस्ट ए का कैरियर जब हम उठाकर देखते हैं, फरवरी 25 को आपने डेब्यू किया था 2017 पे हरियाणा के खिलाफ दिल्ली के मैदान पर। T20 पे जनवरी 19, 2017 त्रिपुरा के खिलाफ कोलकाता पे आपका डेब्यू हुआ था। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं तो नॉर्मली भुवनेश्वर में रहता हूँ, पैदा ही भुवनेश्वर में ही हुआ हूँ, तो बचपन से भुवनेश्वर से खेलता आया हूँ, भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के तरफ से। फिर 2011-12 में मैं फर्स्ट टाइम खेला 16, अंडर 16 स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला मेरे को। तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स 16 खेला, फिर 19 2 ईयर्स, फिर 23 2 ईयर्स, फिर उसके बाद से लगातार 5th ईयर रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी निश्चित तौर पर ओडिशा का वो गर्व महसूस करते हैं हम लोग कि आप जैसे खिलाड़ी जो एक टेम्पलेट सेट करते हैं, एक उदाहरण आप पेश करते हैं कि आप जो भी हमारे टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर किसको भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना हो, आप लोगों को देखकर आपका जो जोश है, आपका जो जज्बा है, बहुत सारे यंगस्टर प्रेरित होते हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, ड्यूज बॉल के साथ आगे की तरफ लाइफ बनाना है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैसे ये शुरुआत हुआ था क्रिकेट कैरियर, ये सिलसिला कहां से आपके दिमाग पे आया कि क्रिकेट खेलना है? एक्चुअली दिमाग में तो नहीं था पहले से, मतलब मैं टेनिस बॉल ही खेलता था, जैसे मतलब सभी खेलते हैं टेनिस बॉल खेलता था, बहुत छोटा था तभी। एक हमारा इधर क्लब का जो कोच है वो भी टेनिस बॉल खेलते हैं, तो जो मनोज जैन मेरा जो पसंद जो कोच है वो बचपन में एक बार ऐसे टेनिस बॉल मैच खेल रहा था, तो वो देखे बोले कि ड्यूज बॉल खेलेगा, बोला हाँ खेलूंगा, मतलब चांस मिला तो खेलूंगा, पर इतना मतलब प्लान नहीं था आगे का। तो नॉर्मली फिर बोले कि ठीक है कल सुबह मैच है तो आ जाना, मैं बोला ठीक है मैच आ जाऊंगा टाइम पे, तो मेरे को बोले कि ठीक है 7 बजे आ जाना, तो मैं 6:30 बजे पहुंच गया ग्राउंड पे जी। तो वो वाला मैच वैसा नहीं था, मतलब बच्चे भी खेल सकते थे, बड़े लोग भी खेलते थे, तो वो मैच में मैं जब मतलब पूरा लास्ट में बैटिंग गया, क्योंकि बड़े बड़े सब पहले जाते हैं टेनिस बॉल में तो ऐसा रूल है, तो मैं पूरा लास्ट में बैटिंग गया, कुछ 15-20 रन चाहिए था, तो मैच खेला तो जीत गया वो मैच। तो उसके बाद मेरे को बोले कि प्रोफेशनली खेलेगा क्या, मैं बोला वो क्या होता है मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो बोले नहीं नहीं ऐसा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा तेरा भी उम्र है तू खेलेगा, मैं बोला हाँ खेलूंगा, हाँ तो मार दिया। फिर उसके आगे मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा ऐसा इतना टाइम देना पड़ता है, ये करना पड़ता है। एक्चुअली जो मजा आता है वो मतलब मेरे को पता नहीं था कि ड्यूज बॉल में क्या मजा होता है, मतलब टेनिस बॉल में खेलता था पहले, तो मेरा दिमाग में ये नहीं था कि ऐसा टाइम देना होता है, ये होता है वो होता है, तो मैं हाँ बोल दिया उनको कि ठीक है मैं कल से आ जाऊंगा, क्लब ज्वाइन कर लूंगा। फिर कुछ कुछ दिन गया वो, मतलब ऐसे तो रेगुलर क्लब नहीं गया मैं, क्योंकि वो टेनिस बॉल में जो मजा लग गया था कि 4 बजे स्कूल से आओ फिर जाओ बैटिंग करो, बैटिंग है बैटिंग, तो ड्यूज बॉल में वो नहीं होता था, बच्चा था तो मतलब क्लब जाओ तो वहां पे पकड़ा जाता था बॉल के लिए, ये भी बॉल मेरे को डाल, इसको डाल उसको डाल, ये सब मतलब बोरिंग सा था, मतलब पहला 20 दिन तो मैं बैटिंग भी नहीं किया क्लब में जी। तो उसके बाद मैं बंद कर दिया, ये मतलब 1.5 महीना हो गया मैं बंद कर दिया, क्लब नहीं गया।
तो फिर सर मेरे को आए घर पे, बोले कि क्यों नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है। बोले कि सर मैं तो बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, जाके सिर्फ बॉल उठा के दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऐसा। तो बोले नहीं, कल से रेगुलरली आ, मैं तेरे को देखूंगा। तो उसके बाद से तो पूरा मतलब आज तक, तब से लेके आज तक 10-12 साल हो गया सर, तो मतलब पूरा पीछे है। कभी आप पीछे मोड़ के देखे नहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होता है। फिर आपने हौसला अफजाहिर किया, फिर आपने उड़ीसा क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया, फिर आपने कमाल किया, धमाल मचाया। थोड़ा सा आपके आंकड़ा के ऊपर, आपका जो रिकॉर्ड है उसको थोड़ा सा उठाकर देखते हैं। फर्स्ट क्लास कैरियर, 20 मैच अभी तक आप खेल चुके हैं। युवा कैरियर है आपका, 800 से ज्यादा रन आप बना चुके हैं। हाई स्कोर के बारे में बात करें, 123 यानी कि एक लाजवाब शतक आपके नाम पे है, और 26 का एवरेज लगभग, और 2 शतक आप जड़ चुके हैं, 150 उसके अंदर शुमार है। लिस्ट ए का कैरियर को हम जब उठाकर देखते हैं तो फिर 23 मैच पे 684 रन, 91 आपका हाईएस्ट है। 31 का एवरेज जो 50 ओवर का क्रिकेट है, और उस फॉर्मेट पे आपका कोई शतक नहीं है, लेकिन 6 हाफ सेंचुरी आप जड़ चुके हैं। शतक का अब हम इंतजार करेंगे। T20 का कैरियर बहुत युवा है आपके लिए, क्योंकि 12 मैच, 213 रन, 54 आपका हाई स्कोर है, और 21 का स्ट्राइक रेट लगभग 100 का, माफी चाहूंगा, 21 का एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट, और 250 अभी तक आप जड़ चुके हैं। यानी कि ये जो कैरियर, इसका जो सिलसिला शुरुआत हुआ है, इसको और भी पलिस करना है, और भी आगे की तरफ आपको छलांग लगाना है, और उसके लिए क्रिकेट वाणी की तरफ से ढेर सारा विशेष की आप कामयाबी की सीढ़ी और भी चढ़े और बुलंदियों को और भी छुए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपका क्रिकेट करियर का सबसे यादगार मुकाबला हो, इसको शेयर कीजिए। वैसे तो दिल के करीब 2-3 मैच है, बट मैं पहला बोलूंगा कि जब मैं 16 खेल रहा, मतलब नहीं खेला था, वैसे मैच खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो भुवनेश्वर में होता है, खास करके हमारा जो ओस्कार कप होता है इधर, बहुत छोटा था मैं तब, लगभग 14-15 साल का हुआ हूँगा। तो उस टाइम पे मैच खेल रहा था, तो शॉर्ट बाउंड्री होता है वो मतलब छक्का मारना अलाउ नहीं होता है, जी तो वो मैच मेरा दिल के बहुत ही करीब है, जो मतलब उधर से मेरे को पता चला कि क्रिकेट का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। तो बचपन में ऐसे ही खेलता था, मतलब हमारा क्लब को, और पैरामाउंट जो भुवनेश्वर का क्लब है, जी उनके साथ हमारा फाइनल मैच था, तो हम लोग भी पहली बार जा रहे थे फाइनल में, फाइनल मैच था, पहली बार खेल रहे थे। तो वो क्या हुआ ना, उस टाइम पे मैच में लगभग 2-3 विकेट चला गया था हमारा, और मैं बैट्समैन था, तो उस टाइम पे मेरे को मतलब टीम को लेके जाना था आगे, क्योंकि फाइनल मैच था, और मैं मतलब सर को ही बोला था कि एज ए गिफ्ट मैं आपको ये चैंपियन बना के दूंगा, मतलब पर्सनली मैं बोला था सर को। तो वो दिमाग में था, मतलब इतना छोटा था, इतना आगे का सोचा नहीं था, फिर भी वो मैच मैं उधर 100 बनाया था, और 100 बनाने के बाद एक ओवर में मेरे को मतलब उस टाइम पे कुछ 30 बॉल में 50 कुछ चाहिए था, तो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि नहीं मैच खत्म, मतलब और नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा आया था दिमाग में। पर फिर क्या हुआ, मतलब कुछ इक्वेशन सही बैठा मेरा, तो एक ओवर में 5-4 मैंने मारा था उधर, तो उसके बाद जो क्राउड थे जो चीयर किए मेरे को, उसके बाद पता चला कि क्रिकेट का मतलब क्या होता है लाइफ में। तो बहुत छोटा था, तो वो मतलब दिमाग में बैठ गया है, मतलब इतना अच्छा मेरे को लगा वो मैच जिताने के बाद खुद को, कि मेरे को मतलब तब से मैं डिसाइड कर लिया नहीं है, मतलब इसमें ही आगे जाना है, क्योंकि इसमें मेरे को खुशी मिलता है। तो वो बहुत दिल के पास है वो वाला मैच। और वैसे जी और एक मैच में कहना चाहूंगा, जो रणजी ट्रॉफी डेब्यू साल था, वो जो जी सौराष्ट्र आपके वाला बड़ौदा मैच, के आप तो खिलाफ, अच्छा जी वाइस वाइस बड़ौदा के साथ था, नहीं मैं जो पहला पहले जब सेंचुरी मारा। आपको जब जब आपका नाम आया कि आप रणजी खेलेंगे, उड़ीसा को रिप्रेजेंट करेंगे, तब क्या फीलिंग्स था? जब आपको किसी भी तरीके से पता चला कि आप रणजी मुकाबला खेलेंगे, आपका नाम आ चुका है, तब क्या दिमाग में चल रहा था, क्या अंदर का फीलिंग्स क्या था? एक्चुअली तब मैं जब डेब्यू किया था रणजी ट्रॉफी, तो मैं 18 साल का था, तो दिमाग में मतलब ऐसा नहीं था कि ये इतना लेवल है ये वो मेरे को खेलने के बाद पता चला कि ये मतलब उस टाइम पे मैं खेला था 16 खेला था, 19 खेला था, पर रणजी ट्रॉफी मतलब सुनता था कि ये भाई है, ये रणजी ट्रॉफी खेले हैं,
और मेरा ड्रीम था कि नटराज भाई के साथ ओपन करना। तो जब सिक्सटीन खेल रहा था तब से मेरा ड्रीम था कि उनके साथ थोड़ा ओपन करूं, वो मेरा दिमाग में था। पर जब मैं पहली बार रणजी ट्रॉफी नाम आया तो मैं मतलब पूरा ब्लैंक हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं चला कि कैसे क्या करूं। तो देबा भाई थे हमारा जो कोच, वो मेरे को मतलब बुलाए, बोले कि नहीं जैसा 19 जैसा खेल रहा था इसको वैसे ही खेल, ज्यादा सोच मत कि मतलब इतना बड़ा लेवल है, ऐसा खेलेगा तुम ऐसा सोचेगा तो दिमाग में तो मतलब सस्टेन करना मुश्किल है, तो तू थोड़ा अपना जी काम डाउन रहे और जैसे नॉर्मल ऐसे 16-19 खेल रहा है उस टाइप के बैटिंग कर। तो पहला मतलब पहला साल तो ऐसे ही गया, मतलब जैसे 19-19 खेलता था वैसे ही गया। तो क्या होता है रणजी ट्रॉफी एक दो साल के बाद उसका वैल्यू क्या होता है धीरे धीरे पता जी चला। जब आया घर में सब खुश थे, मतलब पहला मतलब मेरे तो ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा था क्योंकि मैं किसी को देखा नहीं हूँ हमारा क्लब में कि मतलब ये खेलते हैं ये, मतलब मैं हमारा जो क्लब है मैं ही सीनियर हूँ, तो जी ऐसा कोई नहीं कि ये भाई खेलते हैं वो भाई खेलते हैं, तो मैं वो मेरे को पता नहीं था। तो धीरे धीरे खेलने के बाद ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करता गया मैं। जी बिल्कुल, वो एक स्पेशल मोमेंट था आपके लिए। वो कहते हैं कि प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और मंच बड़ा हो या फिर छोटा, लेकिन जो आपकी काबिलियत है वो दर्शाता है कि इस खिलाड़ी के अंदर क्या काबिलियत है और ये क्या कर सकता है। जहां पे आपके कोच के साथ आपका मुलाकात होता है और वहां पे आप वो आपको बुलाते हैं कि आ क्रिकेट खेल और कुछ करके दिखा, और शायद आपने मेहनत भी किया जिसके वजह से आज आप उड़ीसा रणजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे ही आप कड़ी मेहनत करते जाए और भी सफलता आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपके रिकॉर्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप टेनिस क्रिकेट खेल चुके हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा वो टूर्नामेंट था कहाँ पे संदीप पटनायक वो रिकॉर्ड बनाए थे जो शायद और कोई खिलाड़ी तोड़ ना सके? आपके अंदर आप थोड़ा सा याद कीजिए कि कहाँ पे वो रिकॉर्ड आया था, कितना रन आपने बनाया था, या फिर गेंदबाजी पे विकेट लिया था, या फिर कुछ कमाल की फील्डिंग आपने किया था जहां पे अभी भी आप विकेट जगह। तो नहीं लिया मैंने। जी एक मैच याद है, हम रणजी ट्रॉफी जो सीनियर टूर्नामेंट होता है वहां हम लोग गए थे थीमापिया खेलने के लिए। के थीमापिया एक बैंगलोर करता है सीनियर टूर्नामेंट, उधर गए थे। तो बैंगलोर में मैच था हम लोगों का, वो आखिरी मैच था शायद। तो रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले वो इनविटेशन टूर्नामेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपना रणजी ट्रॉफी टीम बनता है। हमारा साल वही हुआ था। तो हम लोग 3 जन थे जो डेब्यू करने वाले थे, शांतनु मिश्रा, मैं और सेनापति, हम 3 थे। तो नए नए लड़के थे हम। तो उस टाइम पे मेरे को याद है जो वो जो ग्राउंड पे हो रहा था वो मतलब बहुत ऊपर था, मतलब नया वाला कॉलेज वाला ग्राउंड था, कोई एक किसी के नाम पे बना था, मेरे को शायद याद नहीं है। वो ग्राउंड पे मैं कुछ 156 बनाया था जो वो ग्राउंड का सबसे हाईएस्ट था, और उधर नाम भी था मेरा, मतलब वो ऑनर बोर्ड पे भी लिखे थे, तो जैसे वो मेरे को लॉन्च थोड़ा में याद लिखा है। जाता है, कोई भी बल्लेबाज शतक लगाए तो हाँ कहीं उसका नाम वैसे, लिखा हाँ जाता है। वो लिखते हैं, हाँ, उधर मेरे को याद है मेरा पहला नाम मेरा था। जी बिल्कुल, तो वो आपका रिकॉर्ड आपने बताया, 160 से ज्यादा रन आपने उस मैच पे बनाए थे। लेकिन एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, वो मैन ऑफ द मैच कभी आप उस मुकाबला को भूल भी नहीं सकते हैं और उस टूर्नामेंट को भूल नहीं सकते हैं। मैन ऑफ द मैच अपने बलबूते पे आपने वो मैच को जिताया था। हाँ जो डेब्यू वाला जो 100 था हम मतलब सौराष्ट्र के साथ, वो वाला मैच हमें और सूर्या मिलके हुए थे जो हमारा मैच हुए थे, वो वाला मैच मतलब दिल के भी बहुत करीब है। वो पहला साल था, सेकंड मैच था, सौराष्ट्र टीम था, तो जी वो वाला मैच भी बहुत अच्छा है मेरे लिए। सबसे यादगार रहेगा आपके लिए। उस मैच पे आपने जो रन बनाया था जहां पे आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब आते हैं मैन ऑफ द सीरीज। देखिए मैन ऑफ द सीरीज बतौर बल्लेबाज आपको हर मैच में अच्छा करना पड़ेगा। एक टूर्नामेंट पे आप जब भी मैन ऑफ द सीरीज बनना चाहते हैं, कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे हर मुकाबला पे आपने तूफानी बल्लेबाजी की थी, तबाही मचाया था जहां पे आपको मैन ऑफ द सीरीज मिला? होता है भुवनेश्वर में, एक होता है मतलब मैं 19 खेल रहा था तब भुवनेश्वर में होता है एक मुक्तेश्वर करता है हमारा, एमसीसी करता है टूर्नामेंट, तो वो 19 वाला टूर्नामेंट था। तब मैं अंडर 16 कुछ खेल रहा था, तो मेरे को याद है वो वाला, मतलब
हम लोग चैंपियन नहीं हुए थे, पर मेरे को मैन ऑफ द सीरीज मिला था वहाँ, क्योंकि हम लोग क्वालिफाई किए थे फाइनल में, तो मैं याद है कि वो मैन ऑफ द सीरीज वहीं पे मिला था। जी बिल्कुल। अब आते हैं एक के चैंपियनशिप, आपको याद करना पड़ेगा वो चैंपियनशिप जहां पे आप वो चैंपियनशिप को जीतने के लिए गए थे और आपने पूरा जान लगा दिया उस चैंपियनशिप के पीछे, और जब आप जीते तो फिर आप अंदर से वो गर्व महसूस किया कि नहीं, यहाँ पे मैं इस किताब को जीतने के लिए आया था, ये कप को जीतने के लिए आया था और मैं जीत कर गया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप संदीप पटनायक कैरियर। तो बेस्ट मैं बोलूंगा कि जब मैं 19 जोन कैप्टन था, इस जोन का, तो उस टाइम पे हम लोग टोटल मतलब हिस्ट्री में एक ही बार हुआ था कि अपना जो इस जोन है वो चैंपियन हुआ था मनोज तिवारी के अंडर में। तो उस टाइम पे हमारा किट में कैंप लग रहा था, तो हम लोगों को ऐसे बोले कि हाँ इस जोन जाता है, हार के आता है, बस ऐसे ही मतलब वो बोलते हैं। तो वो दिमाग में था कि वो वाला जो टूर्नामेंट था उधर बीसीसीआई अरेंज करता है, वो वाला मैच हम लोग चैंपियन हुए थे, मेरे को वो याद है। तो वो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि 8 8 ईयर्स के बाद हम लोग चैंपियन हुए थे इस। अब आते हैं कि अपने कुल मिलाकर जब भी हम सेंचुरी का आंकड़ा उठाएंगे तो फिर 2 सेंचुरी आप लगा चुके हैं, लेकिन और भी सेंचुरी का इंतजार रहेगा। लेकिन टेनिस क्रिकेट आप खेले हैं, टेनिस क्रिकेट पे कभी सेंचुरी आप बल्ले के साथ आया है कभी सेंचुरी? हाँ टेनिस बॉल में तो आया है, टेनिस बॉल कुल खेलता हूँ मिलाकर मैं, मतलब जब जब अभी तो नहीं, जब जब खेलता था तब। फिर भी कितना सॉरी, सेंचुरी, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि कुल मिलाकर कितना सेंचुरी आप बनाए हैं, सब अच्छा कुछ कुल मिला मिला के ऐसा के? तो ज्ञान है हो, मतलब टेनिस बॉल ड्यूज बॉल सब मिला के। जी मिलाकर कितना सेंचुरी मतलब आपके दिमाग पे है? नहीं, इतना तो मैं लगा चुका हूं। वैसे सब क्लब व्लब मैच बात करो तो 50 60 तो होंगे ही। वाओ, अनबिलीवेबल संदीप प्रदीप पटनायक, और मेरे विचार पे शानदार प्रदीप पटनायक आपको रखना चाहिए क्योंकि आप बहुत खूब बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अब जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, थोड़ा सा आप सोच समझकर उन खिलाड़ियों का नाम लीजिए क्रिकेट कैरियर पे जो आपने रणजी क्रिकेट पे देखे हैं, फर्स्ट क्लास पे देखे हैं, या फिर आपके क्लब क्रिकेट पे आपने जितने बल्लेबाज को देखे हैं उनमें से आपको टॉप 5 बैट्समैन चूज करना है जो संदीप पटनायक को प्रभावित किए हैं, या फिर उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और आप उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं उनका खेल को देखने के लिए या फिर उनसे कुछ सीखने के लिए, टॉप 5 बैट्समैन? टॉप 5 अभी मतलब मैं जिनसे जिनके साथ खेला हूँ अभी करंट टीम में है गोविंद भाई, वो सबसे मतलब मेरे को बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग उनका लगता है, एटीट्यूड भी, कैरेक्टर भी सब। फर्स्ट गोविंद भाई, फिर विप्लव भाई, फिर सेनापति, फिर शांतनु मिश्रा, फिर अनुराग सारंगी। ये सारे तमाम बल्लेबाजों का, और एक बजाय, और एक बल्लेबाज का नाम आपको लेना है? नटराज वगैरह नटराज बेहरा। मैं वही नहीं, वो सोच मत रहा था कि आपका आपका ख्वाहिश था, आपका तमन्ना था कि नहीं, आप मैं नटराज बेहरा के साथ ओपनिंग करें, नहीं लेकिन नहीं उनका नाम मैं अभी नहीं। अभी करंट करंट नहीं नहीं करंट का बात बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए। जी, तो आप जिन खिलाड़ियों का नाम लिया एक से बढ़कर एक, और सबने उड़ीसा को बहुत कुछ दिए हैं, और उनमें से सब एक बल्लेबाज को नंबर 1 पे आपको रखना है, या फिर आप सोच लीजिए कि आप गेंदबाज हैं, वो 5 बल्लेबाजों से किस बल्लेबाज के सामने आपको गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? किस बल्लेबाज का नाम आप वो सबसे शिखर पर रखना चाहेंगे, टॉप पर? सेनापति शुभ्रांशु सेनापति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही आपको टॉप 5 बॉलर भी पिक करना है, और ज्यादातर आप जब भी फास्ट बॉलर का नाम लेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि उड़ीसा पे हम कम फास्ट बॉलर देखते हैं जो तेज तरान गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आपके नजर पे वो टॉप 5 बॉलर कौन हो सकते हैं? फर्स्ट में तो नो डाउट बसंत भाई, जी वो उनके बाद सूर्या, सूर्यकांत प्रधान, राजेश महांती और दीपक बेहरा, और
वैसे और अपना और कोई मेरे स्पिनर? को सबसे नहीं, सबसे अच्छा लगता है आलोक मंगराज, उनका बॉलिंग बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी बिल्कुल, आप एक प्रॉपर बल्लेबाज हैं, पांच गेंदबाजों का आपने नाम लिया, कौन सा गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहेंगे, उस ओवर पे सिर्फ वो सिंगल डबल निकाल के अपना विकेट बचाना चाहेंगे? बसंबर लेजेंड, लेजेंड ऑफ उड़ीसा क्रिकेट। और क्या उनके गेंदबाजी पे आपको दिखाई देता है, क्या खास बात रही है उनकी गेंदबाजी पे? नहीं, वो बहुत कंसिस्टेंट है अपने जगह पे। मतलब वो वैसा नहीं कि मतलब ट्राई करते हैं कि इसको मैं आउट कर दूंगा, ये स्विंग कर दूंगा, आउट स्विंग कर दूंगा, वैसा उनके दिमाग में, मैं जितना टाइम उनके साथ बातें हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो बस अपना स्ट्रेंथ पे ही डालते हैं, बैट्समैन खुद गलती कर देता है तो उनको खेलना, उसी टाइम पे टैकल करना सबसे मुश्किल होता है। जी, तो और ये चीज भी कहा गया है कि जो गेंदबाज ना टप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करे, जो उनका ताकत है उसी ताकत पर वो गेंदबाजी करे, तो फिर वो बल्लेबाज को ज्यादातर दिक्कत पे डाल सकते हैं। और जो ज्यादा वेरिएशन के साथ आते हैं, ज्यादा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, शायद उनको विकेट तो मिलता है लेकिन वो कंसिस्टेंसी या फिर किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। लेकिन रन आ आप जाता है उस टाइम पे, थोड़ा रन आ जाता है। जी, लेकिन हम बसंत सार की गेंदबाजी पे ये एक चीज देखने के लिए मिला है कि इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी चटकाते हैं और उसके साथ साथ उनका ठिकाना जो होता है उसी ठिकाने पर वो बार बार गेंदबाजी करते हैं। थैंक यू सो मच बसंत सार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे ही आपको टॉप 5 ऑलराउंडर भी चूज करना है, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट पे वो स्ट्रांग हो और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं पिछले कुछ समय पे। टॉप 5 फर्स्ट में तो सूर्या आएगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर की तरह ही मतलब परफॉर्म किया है जी सूर्या भाई। तो सेकंड देवव्रत प्रधान, अभी जो करंट खेल रहा है, और फिर सर्वेश्वर महांती, प्रयास ठाकुर, लास्ट वन और लाशन, कोई युवा लड़का हो या और फिर पुरान प्रतीक दास। प्रतीक दास। जी बिल्कुल, ये टॉप 5 ऑलराउंडर का आपने नाम लिया। अब आते हैं थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर। आप उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यानी कि स्किल के मामले पे आपसे शायद कोई बेहतर ना बता पाए। क्या होना चाहिए स्किल्स एक बल्लेबाज के पास जब वो क्लब ज्वाइन करता है, उसके पास पहले से क्या होना चाहिए और कोच क्या सिखाते हैं और आप क्या सीखते हैं जिसको आप दिखाते हैं? स्किल्स के बारे में आप बताइए बतौर बल्लेबाज। नहीं देखिए, पहले तो मतलब टेनिस बॉल से वैसा नहीं होता है कि मतलब इस स्किल से मतलब कि स्किल से मतलब ये 100% खेलेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रिकेट में आप टाइम दोगे क्रिकेट को, अपने आप ही खेलोगे, क्योंकि वैसा मैं मतलब क्रिकेट कैरियर में बहुत देखा हूँ कि बहुत स्किलफुल बैट्समैन होते हैं लेकिन मतलब सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो होता है, क्योंकि अपना मतलब क्रिकेट में टाइम देना पड़ता है बहुत। तो वैसा नहीं कि जाऊं तो 1-1.5 घंटा बैटिंग कर दूं हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूंगा, अगर शिफ्ट होना है प्रोफेशनल क्रिकेट में तो आपको 100% शिफ्ट होना है, वैसा नहीं कि इधर खेलूं उधर भी खेलूं, वैसा नहीं होता है। तो मतलब मन बना लिए हो खेलने का तो 100% जाके देना पड़ेगा आपको। तो यही जो भी क्लब में ज्वाइन करने वाले हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आपका मतलब दिमाग में है प्रोफेशनल खेलना है, आगे मतलब नाम करना है, तो आपको पूरा मतलब 100% श्योर होना है उसके बारे में कि मैं आऊंगा प्रोफेशनल क्रिकेट में, आऊंगा घुसूंगा तो टाइम दूंगा, जितना भी मतलब मिलेगा मेरे को मैं टाइम दूंगा। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए स्किल के हिसाब से। स्किल तो देखिए, स्किल होता है किसी के पास किसी के पास नहीं होता है, लेकिन हार्ड वर्क करोगे आप तो स्किल में इम्प्रूव मतलब डबल आता है। मेरा मेरा यही मतलब दिमाग में है, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ कि बहुत मतलब स्किलफुल बैट्समैन होते हैं लेकिन मतलब बहुत टाइम खेल नहीं पाते हैं, वो वैसा होता है। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप स्किल में भी जीरो हो, तो फिर भी आप लंबा मतलब टाइम आप अपने क्रिकेट को खींच लोगे आराम से। खेलते तो यही है। जी, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, संदीप पटनायक वो कितना समय नेट पे बिताते हैं और कितना नेट प्रैक्टिस करते हैं और कितना दौड़ भाग करना पड़ता है, कितना फिटनेस जिम पे कितना समय आप व्यतीत करते हैं, एक दिन का जो शेड्यूल आपका रहता है सुबह आप जब भी उठते हैं उसके बाद क्या क्या आपका प्लानिंग रहता है, संदीप पटनायक क्या करते हैं?
ये जानना चाहेंगे, जब सीजन पर बार बार मैचेस हो तो फिर उस समय किस हिसाब से आप तैयारी करते हैं? देखिए मैचेस के टाइम पे इम्पोर्टेंट है खुद को टाइम देना, उस टाइम पे वैसे आप नहीं कर सकते कि मतलब हड़बड़ी में कुछ चीज नहीं कर सकते आप। मैच में पूरा प्लानिंग के हिसाब से होता है कि मतलब इतना बजे उठना है, इतना बजे अपना सेशंस रहता है सब ऑनलाइन में, अभी तो कोविड के चलते ऑनलाइन में होता है सब, तो सेशंस अपना अटेंड करना पड़ता है, सुबह एक सेशन होता है, शाम को एक होता है, फिर मॉर्निंग। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर हम लोगों का मैच शुरू होता है 9 बजे तो हम लोगों को ग्राउंड पहुंचना पड़ता है 7-7:30 बजे, तो हमारा बॉस जो बस है वो छोड़ता है 6:30, तो हम मैच से 10-15 दिन पहले ही अपना जो टाइम जो शेड्यूल है उसको मैनेज कर लेते हैं, 6:30 बजे उठना है तो उसके मैच से 15 दिन पहले ही हम वो रूटीन बना लेते हैं ताकि बॉडी को कुछ नया ना लगे। तो वैसे जैसे नॉर्मली 6:30 बजे उठ के थोड़ा मतलब कॉफी पी के वैसे प्रैक्टिस हो अगर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, फिर मॉर्निंग का कुछ सेशन हो तो सेशन करते हैं, फिर शाम में आके वही होता है थोड़ा मतलब अगर पूल में स्ट्रेचिंग वेचिंग हो तो वो करना पड़ता है, वो करने के बाद अपने खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ज्यादा मतलब हड़बड़ी में ज्यादा काम रख के वैसा सब मैच के टाइम नहीं होता जी। फिर भी एक बल्लेबाज को कितना समय नेट पे प्रैक्टिस करना चाहिए? वैसे मैं सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई 15 मिनट में भी खेल लेता है जितना मतलब फोकस फुली खेलता है, कोई 1.5 घंटा खेलने पर भी उतना फोकस में नहीं खेल पाते, वो इम्पोर्टेंट है आप कितना टाइम फोकस करके बैटिंग कर पाते वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं अगर मतलब फ्री टाइम मतलब जो ऑफ सीजन है उस टाइम ज्यादा टाइम सुबह 1 से 1.5 घंटा, शाम को 1 से 1.5 घंटा, बस मतलब जितना टाइम फोकस आप कर पाते हो उतना, उसके बाद जब भी मतलब बॉडी बोले कि रेस्ट चाहिए तो रेस्ट चाहिए। वैसा मतलब नहीं कि कोई कोई बैट्समैन है 15 मिनट भी फोकस करके पूरा बैटिंग करता है, उनको मतलब पूरा वीक बैटिंग नहीं चाहिए, वैसा डिफरेंट होता है। पर मैं अपना बात करता हूँ तो वैसे सुबह 1.5 घंटा शाम को जी। लेकिन फिटनेस बहुत महत्व रखता है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि आपके पास वो फिटनेस होना चाहिए। फिटनेस बनाने के लिए उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ता है, क्या खाना आपको खाना पड़ता है, जंक फूड से थोड़ा सा अवॉइड आपको करना पड़ता है, और निश्चित तौर पर जिम पे आप कितना समय व्यतीत करते हैं, और खाना क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा एक दो टिप्स मिल जाए हमारे यंगस्टर को तो फिर उसी लाइन पे वो शायद शुरू कर सकते हैं। देखिए आपका मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर प्रोफेशनल क्रिकेट में जाना है तो आपको 100% जाना है, आप अपना 100% देना है, तो फिटनेस के चलते आप ऐसा नहीं कि जाके जिम करो फिर जाके वो जंक फूड जो है उसको खा लो, तो कुछ माइनस बॉडी से हुआ तो फिर ऐड कर लिए कुछ बॉडी में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। डाइट पे प्रॉपर मतलब ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको मतलब लंबा टाइम के लिए वही आपको लेके जाएगा डाइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज का डेट में क्रिकेट में, क्योंकि आज आज आप देख सकते हो फील्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है टीम में, 20-20 हो, 50 ओवर्स हो या डेज फॉर्मेट हो, फील्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है कि क्या चीज मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग है, क्या चीज मेरे बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो बॉडी मास कितना है, आप अपना मतलब वेट मेजरमेंट रेगुलरली करते हैं हम, मतलब कितना आप एक फिटनेस सेशन किए तो उसके बाद कितना पानी इंटेक करना है, कितना क्या कैलोरी इंटेक करना है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली मैं यही बोलूंगा कि जितना प्रोफेशनल खेल रहे हो आपको उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, खाने को लेकर हो कि बाकी चीजों में आपको करना पड़ेगा थोड़ा। जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया चीज आपने बताया हमारे यंगस्टर के लिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बढ़िया टिप्स भी रहेगा। लेकिन निपुण कुमार सिंह, आप जो भी सवाल रखना चाहते हैं आप सवाल रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा रणजी क्रिकेटर संदीप प्रदीप पटनायक, और के उम्दा बल्लेबाज हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से वो हर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अब आपको फटाफट खिलाड़ियों का नाम लेना है, जैसे ही मेरा वो सवाल रहेगा, उड़ीसा क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन आपके नजर पे कौन? फियरलेस बैट्समैन, सिचुएशन जो भी हो लेकिन वो आके अपना गेम खेलते हैं। सेनापति, शुभ्रांशु सेनापति का आपने नाम लिया। एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद उसे उसी शॉट वो खेलते हैं, यानी कि रूम मिले तो पॉइंट और कवर के ऊपर से कॉट लगाना हो, या फिर थोड़ा सा ऊपर मिले तो हाफ वाली तो उसको स्ट्रेट ड्राइव खेले, या फिर कवर ड्राइव,
छुट्टी मिले तो उसको पूल खेलते हैं, तो एक्यूरेट बैट्समैन क्रिकेट ऑफिस को गोविंद दो हैं, गोविंद पोलार और शांतनु मिश्रा। चलिए एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करते हैं, बसंत भाई, बसंत भाई, राजेश महांती। यस बेस्ट फिनिशर, यानी कि मैच को फिनिश करना उनका काम है, जिस काम से वो अपनी पहचान भी बनाए हैं। राजेश धूपर। यस राजेश धूपर का आपने नाम लिया। और एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत सारे यंगस्टर ये सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे हैं कि क्या प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए क्या एज होना चाहिए, क्या आपका उम्र होना चाहिए जहां पे आप शुरुआत करते हैं। तो आप कब से शुरुआत किए थे या फिर अभी के डेट पे कौन सा वो एज होना चाहिए जहां पे यंगस्टर जाके क्लब ज्वाइन करे और खेल के बारे में जाने और सीखे। ऐसा बोला जाए तो देखिए, आपको जितना जल्दी हो आप ज्वाइन करोगे क्लब में आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप जितना जूनियर से खेलेंगे आपको उतना वो सीनियर में हेल्प करेगा। जैसे कि 16, 19, 23 हो गया, जितना आप जूनियर फॉर्मेट खेलोगे आपको उतना आइडिया आएगा कि सीनियर में क्या होता है, स्टेट मैचेस क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको पता लगेगा, ग्रेजुअली आपको पता लगेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप आपका मतलब एज 14-15 हो, उसके अंदर हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपका एक अंडर वाला कुछ फॉर्मेट आप खेल सको, जैसे कि अंडर 23 हो गया, 19 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में वो मतलब वैसे नहीं कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए हैं। फिर भी मैं अपना मतलब जो बोलता हूँ कि कोई जूनियर क्रिकेट खेले तो थोड़ा आइडिया आएगा कि ऐसा फॉर्मेट मतलब ऐसा स्टेट मैचेस ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, थोड़ा आइडिया आएगा आपको। तो कुछ भी कोई भी अंडर वाला मतलब आपका फॉर्मेट हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे 19 हो गया, अंडर 19 हो गया, अंडर 16 हो गया, अंडर 23 हो गया, वैसे वो एज में आप क्लब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जी आप जूनियर इंडिया खेल चुके हैं जितना मेरे पास खबर है, जूनियर इंडिया जी, मतलब हम जो मैं 16 में खेला था तो उस टाइम पे हमारा एक इंडिया कैंप हुआ था, तो जिस टाइम पे हमारा एक ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो पूरा टीम निकल गया था। हम लोग सब उस टाइम पे जो हमारा बैच के लड़के थे सब अगले ही दिन जाने ही वाले थे, कुछ पर्सनल इशू हो गया मतलब किसी कोच का लेके, तो उस टाइम पे वो बीसीसीआई वो टूर्नामेंट कैंसिल करना पड़ा उसको। तो जी तो फिर आपको वहां पे मौका मिला था और मौका पे आपने बहुत बार चौका छक्का लगाया है, लेकिन यहाँ पे भी आप बहुत बढ़िया तरीके से वो मैदान पे जैसे चौका छक्का लगाते हैं, यहाँ पे भी आपकी बातों पे वो चौका छक्का आप लगा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, गेम चेंजर। ओडिशा क्रिकेट को आप जब उठाकर देखेंगे, गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस कौन सा खिलाड़ी अभी तक ज्यादातर दिए हैं और वहां पे उनको सफलता भी मिला है, गेम चेंजर आप किसका चुनाव करेंगे? गेम चेंजर एक तो है बसंत भाई बॉलिंग में, उनको मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे वो अपने से बोलते हैं कि वैसा नहीं कि मतलब मैं कभी भी लंबा पार्टनरशिप हो, ये सबसे उनका अच्छा चीज है कि कभी भी लंबा टाइम पार्टनरशिप हो वो बोलते हैं अपने से कि मेरे को बोल दो मैं इसको आउट करता हूँ कि ट्राई करता हूँ आउट करने के लिए। वो सबसे मतलब अच्छा लगता है कि एक जूनियर जो सीखेगा सीनियर से, तो यही है वो बसंत भाई। और अभी जैसे राजेश महांती भी वो भी बहुत सारे ऐसे भी स्पेल डाला है जहाँ पे पूरा मैच ओडिशा के मतलब अंदर आ गया है, तो हाँ तो वो और एक सूर्या वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है गेम में। तो गेम चेंजिंग के अपने दो खिलाड़ियों का नाम लिया और दोनों बहुत ऊंच कोटि के गेंदबाज रह चुके हैं, लेकिन अब दो सलामी बल्लेबाज आपको पिक करना है जो आपका बेस्ट ओपनर होना चाहिए, सलामी बल्लेबाज। शांतनु मिश्रा। यस और एक कौन सा फॉर्मेट, कौन सा आप
पांच दिन का खेल ही हम उठा लेते हैं, टेस्ट मैच को ही उठा लेते हैं। मैच शांतनु शांतनु मिश्रा एंड अनुराग शरण जी बिल्कुल। जब ओडीआईस पे उसको परिवर्तन करते हैं तो फिर ओडीआईस पे किस बल्लेबाज का नाम आपके जहन पे आ रहा है? अनुराग सारंगी, संदीप पटनायक। चलिए अब आते हैं बेस्ट विकेट कीपर। अभी तक बहुत सारे विकेट कीपर आ चुके हैं, सुजीत भाई के बारे में बात करें, राजेश धुपर अभी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उससे पहले भी काफी बेहतरीन विकेट कीपर आ चुके हैं उड़ीसा क्रिकेट पे, लेकिन आपका पसंदीदा विकेट कीपर कौन सा खिलाड़ी, किसका नाम आप लेना चाहेंगे? मेरे को तो सबसे ओडिशा में सबसे अच्छा लगता है सुजीत भाई का, लंका भाई का, वो क्योंकि वो मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट लगते हैं जो बोलते हैं विकेट कीपिंग, तो मैं फर्स्ट रैंक तो उनको ही दूंगा। वैसे भी धूपर बहुत ही अच्छा कीपिंग करता है, लेकिन नंबर वन सुजीत भाई। बिल्कुल। चलिए अब बेस्ट पेस बॉलर, पेस बॉलर यानी कि उनके पास पूरा गति होना चाहिए। अभी तक आप जितने गेंदबाज को देखे हैं, कौन सा वो गेंदबाज है जिनके पास ज्यादातर वो गति पे बल्लेबाज का दुर्गति करते हैं, यानी कि रफ्तार हो उनके पास वो बल्लेबाज को गिरफ्तार करते हैं? ओडिशा में जी ओडिशा, ओडिशा में सूर्य है, सूर्यकांत प्रधान, और आपने नाम लिया, और कोई खिलाड़ी? राजेश राजेश महांती, राजेश महांती। चलिए बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि एक्का को दुक्का पे परिवर्तन करना, थोड़ा सा सिंगल को ज्यादातर तवज्जो देना, किस बल्लेबाज के पास वो गुण है, वो काबिलियत है कि वो सिंगल डबल लेकर भी एक अच्छी स्थिति पर टीम को लेकर जा सकते हैं? शांतनु मिश्रा, शांतनु मिश्रा। सेफ हैंड फील्डर, यानी कि फील्डर जबरदस्त होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी जो फील्डिंग पर प्रभावित किया है संदीप पटनायक? फील्डिंग में शुभम नायक, शुभम नायक। बेस्ट डेथ बॉलर, यानी कि आखिरी समय पे डेथ ओवर पे आप उनको डेथ स्पेशलिस्ट करके बुलाते हैं, उसका कौन सा गेंदबाज, किसका नाम आप लेना चाहेंगे? राजेश महांती, राजेश महांती। आपका आइडियल क्रिकेटर इंटरनेशनल पे, इंडिया का हो या फिर कंट्री का? जब छोटा था तब सचिन, सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर का आपने नाम लिया, क्रिकेट ऑफ गॉड या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का आपने नाम लिया, तो फिर अब आते हैं आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? आईपीएल मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। चलिए आपने तो जब सचिन का नाम ले लिया था तब मेरे को पता चल गया था कि एमआई का ही नाम आने वाला है। आपको जब भी मौका मिले, ऑक्शन पे आपका नाम आता है, आईपीएल पे आपको मौका मिलता है, क्योंकि हमने देखा है हरधर दास का नाम आया था, विप्लव सामंत रे ऑलरेडी खेल चुके हैं, शुभ्रांशु सेनापति अब चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हुए थे, खुदा ना खास्ता कल का कोई ऑक्शन हो वहां पे संदीप पटनायक का नाम आ जाए, तो फिर वो दिल पे किस टीम, दिल से आप किस टीम के साथ जुड़ना चाहेंगे? वैसे तो आईपीएल सभी टीम अच्छे हैं, फिर दिल से है कि मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस फेवरेट टीम है। फिर सीट पे संदीप पटनायक खेले, क्या नजारा होगा, हम जितने भी उड़िया है सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा कि संदीप पटनायक प्ले फॉर आईपीएल, ड्रीम हो, ड्रीम आपका है और ये ड्रीम पूरा हो, आप सिर्फ आईपीएल नहीं आप इंडिया खेले, ये भगवान के पास हमारा दुआएं रहेगी। लेकिन क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है संदीप पटनायक का, और क्या करना पसंद है? क्रिकेट को छोड़ के ऐसे मैं जाता हूँ, मतलब घूमना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को फर्स्ट थिंग, फिर बुक पढ़ता हूँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, फिर कैरम खेलना अच्छा लगता है, तो यही है हॉबी। चलिए कैरम खेलना आपको पसंद है, लेकिन आपका फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? फेवरेट फूड बटर चिकन, बटर चिकन। उसके साथ बटर नान या फिर जीरा राइस वगैरह, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बटर चिकन के साथ? बटर चिकन नान, नान, प्लेन नान बस। चलिए कोई बात नहीं। आपका फेवरेट शॉट, यानी कि आंख बंद करके भी आप वो शॉट खेल सकते हैं?
कट शॉट, स्क्वायर कट खेलना सबसे मुश्किल शॉट माना जाता है। जैसे हमने सचिन तेंदुलकर को देखे या फिर वीरेंद्र सहवाग काफी अच्छी कट लगाते हैं, राहुल द्रविड़ भी अच्छी कट लगाते थे। कट लगाने के लिए जब रूम मिले तब कट लगाना चाहिए, लेकिन कट लगाने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और मेरे विचार पे क्या कॉर्ड शॉट के लिए आपको कुछ अलग प्रयास करना पड़ता है या फिर अलग कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है ज्यादातर? नहीं एक्चुअली वैसे तो प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, सभी शॉट के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। नॉर्मली मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ क्लब में वो सिंथेटिक बॉल में, वो किसी को थ्रो डाउन हो गया, शाइड आर्म में हो गया, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस मैं ज्यादा एक्चुअली बचपन से अभी तक ज्यादा थ्रो डाउन करता हूँ, इसीलिए मतलब कट शॉट मेरा बचपन से ही नॉर्मली ज्यादा, क्योंकि सिंथेटिक बॉल में वो बॉल बाउंस होता है ज्यादा, तो लूज बॉल के मुकाबले थोड़ा बाउंस होता है, इसीलिए मेरे को कट बचपन से ही मार के थोड़ा मतलब प्रैक्टिस में तो आदत हो गया, तो उसके लिए ही थोड़ा मतलब अच्छा होता है। क्योंकि हमारा जो उड़ीसा का जो विकेट है वो थोड़ा सा धीमा होता है, अब जैसे ही बाहर जाते हैं मुंबई जाए आपको थोड़ा सा वो बाउंसी विकेट मिलता है, या फिर कोलकाता आप जाए वहां पे भी आपको थोड़ा सा वो हिद्दर टेक वाली गेंदबाजी मिलता है, और जहां पे बाउंस हो वहां पे कॉट शॉट होना बल्लेबाज के पास बहुत जरूरी है, और जो आपके पास है जहां पे आपने बहुत सारे रन भी बनाए हैं, न्यू बॉल और ओल्ड बॉल बतौर बल्लेबाज किस हिसाब से अपने आप को आप सेटअप करते हैं? नई गेंद के साथ जब आपको बल्लेबाजी करने के लिए मौका मिले तो उस समय आपका माइंड सेटअप क्या रहता है, और जैसे ही गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाए उस समय आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट थिंग तो दिमाग में वैसा कुछ मतलब बाहर से सोच के जाके अंदर नहीं खेल सकते आप, क्योंकि बाहर आप एक चीज सोचोगे अंदर जाके सिचुएशन कुछ और होगा, तो वैसा नहीं होता है। तो नॉर्मली जो अंदर जाके माइंड ब्लैंक ही रहता है, अंदर जाके फिर सिचुएशन क्या है उधर मिलता है, 1-2 मिनट आराम से मिलता है आपको सोचोगे मतलब सोचने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना पड़ता है। तो एज ए बैट्समैन मेरे को अच्छा लगता है नया बॉल में बैटिंग करना, क्योंकि नया बॉल में आपको मतलब मैं जूनियर क्रिकेट से ऊपर टॉप ऑर्डर बैटिंग करता है, तो मेरे को कंफर्टेबल लगता है ऊपर नया बॉल में। तो जब गेंद रिवर्स स्विंग हो यानी कि गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ या फिर हवा पे थोड़ा सा लहरा है तब बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट ने ये चीज कहा है कि जब रिवर्स स्विंग होता है तब बल्लेबाज को दिक्कत आता है, कभी आपको दिक्कत आया है? हाँ 100%, क्योंकि जब जब बॉल रिवर्स होता है, जब एज ए बैट्समैन जब आप खेल रहे होते हैं तब आप बॉल के शाइन को देख के खेल रहे खेलना पड़ता है, तो उस टाइम पे रिवर्स जो होता है उस वो पर, मतलब बॉलर शाइन छुपा के ही आता है, वो दिखा के थोड़ी नहीं आता है कि इधर स्विंग करूंगा उधर, वो तो छुपा के आता है, तो उसके बहुत कम टाइम मिलता है बॉल हाथ हाथ से देख के रीड करके क्या खेलना पड़ेगा, कौन सा शॉट लगेगा कौन सा नहीं, वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि रिवर्स स्विंग ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जी ज्यादा प्रभावित भी होता है। अब आते हैं डगआउट मेमोरीज, कुछ किस्से कहानी जो आप उड़ीसा क्रिकेट पे बहुत समय आप गुजार चुके हैं, और क्या ऐसे कुछ मस्ती मजाक वाला माहौल बना है जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हर समय डगआउट का जो मेमोरीज होता है वो डगआउट पे ही रहता है, कभी बाहर आता नहीं है, लेकिन एक कुछ कहानी जो आप बताना चाहेंगे? वैसे तो मतलब डॉगआउट में तो बहुत मतलब बहुत कहानियां हैं। वैसे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो शांतनु मिश्रा का डेब्यू जिस मैच था क्रिकेट में था मुंबई के साथ मैच, तो हम लोग उस टाइम पे बैटिंग था हम लोगों का, हमारा तीन पहले मैं आउट हुआ, फिर नटराज भाई आउट हुआ, फिर सेनापति आउट हुआ, तो पहले ही 2 ओवर में 3 विकेट चला गया हमारा, तो शांतनु भाई गए थे शावर लेने के लिए, तो उनको मतलब हमारे जो कोच थे उस टाइम पे शिशुदा दास, तो वो जाके मतलब बोले कि शांतनु को बोल दे कि वो पैडअप हो जाए, तो अभी कम टाइम बचा है जाने के लिए, तो वो शावर ले रहे हैं, तो कोई एक धीरज भाई थे, तो वो जाके बोले कि शांतनु पैड पहन ले, तो वो बोले कि क्या 1 विकेट चला गया क्या, बोले कि हाँ, तो फिर जाके 2nd विकेट गया, तो फिर बोले कि बबलू पैड पहन ले, तो बोले कि हाँ हाँ अरे मजाक मत करो 2 विकेट नहीं जा सकता इतना जल्दी, तो 3rd विकेट जब गया सेनापति जब आउट हुआ तो खुद बूढ़ा भाई गए
ऐसे था, गए जाके नॉक किए कि बबलू ना बाहर आ जा ना क्यों ना सब आउट हो गए हैं ना, तीनों का चला गया क्या? तो उनका वो उस टाइम उसका उनका डेब्यू था, वो वाला मैच वो डेब्यू कर रहे थे, तो वो ऐसे उनका हुआ था डेब्यू, तो जी बैट जी वैट डाल के थाई पर हाथ पे पकड़ के ग्लोव बैट लेके अंदर गए बैटिंग करने, जैसे तो वो वाला दिमाग में उठ गया। ये जो कहानी आपने बताया, सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसे ही कुछ कहानी हुआ था एक मैच पे, या फिर वीरेंद्र सहवाग के साथ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट था कि विकेट जा रहा है लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि नहीं विकेट जा रहा है, मेरा हाँ बारी आ चुका है। और इनका तो डेब्यू मैच था, पहले से प्यार होके बैठना चाहिए था, लेकिन कुछ किस्से कहानी जो डगआउट के अंदर रहता है उसको जीने की हम दोबारा कोशिश किए हैं वो यादगार पल को। अब आते हैं कि आपके फैमिली के ऊपर, माताजी पिताजी का नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्रिकेट का आपने ढेरों बातचीत की लेकिन माताजी और पिताजी का नाम सबसे पहले बताइए। मम्मी का नाम तमाशा पटनायक और पापा प्रदीप कुमार पटनायक। सबसे पहले क्रिकेट वाणी एंटायर फैमिली की तरफ से आपके माताजी और पिताजी को ढेर सारे शुभकामनाएं और ढेर सारे अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जो लड़का को जन्म दिए हैं वो उड़ीसा का नाम को रोशन कर रहे हैं और पेरेंट्स का भी नाम को रोशन कर रहे हैं। और हमेशा आप उनको और भी आपके जो काम है, आपका जो नाम है, उस काम और नाम से आपका पापा का पहचान हो। कभी आज तो आजकल शायद आपके पापा का नाम से आपका पापा का पहचान नहीं हुआ है, लेकिन आपके नाम से जरूर आपका पापा का नाम बहुत ऊपर की तरफ गया है। और हमेशा आप फैमिली के साथ खुश रहे, हमेशा आप मुस्कुराते रहे और बिंदास रहे आपके फैमिली के साथ, ये हमारा दुआएं रहेगी आपका और आपकी फैमिली के साथ। मम्मी और डैड क्या सपोर्ट करते थे पहले कि संदीप तू जा क्रिकेट खेल और आगे बढ़, सपोर्ट था या फिर नहीं? नहीं, बचपन से जब अंडर 16 से पहले जब मैं कुछ खेला भी नहीं था स्टेट क्रिकेट की, घर पे पता भी नहीं था कि क्रिकेट क्या होता है, तो जी उस टाइम पे मतलब वही चीज दिमाग में रहता है कि मतलब जब कुछ भी नहीं था तो मम्मी पापा बोले थे कि नहीं तो जाके खेल, तेरे को अच्छा लगता है तो खेल, क्योंकि मैं उस टाइम पे 16 नहीं खेला था, अंडर 14 भी नहीं खेला था, तो उस टाइम पे मेरे को मतलब पढ़ाई छोड़ के कम्प्लीटली क्रिकेट की तरफ शिफ्ट होना बहुत ही टफ चैलेंज था उनके लिए, तो उस टाइम पे तो जो भी मतलब वो उस टाइम पे मतलब मेरे को कभी भी ऐसा नहीं बोले कि नहीं तू मतलब जबरदस्ती तू पढ़ाई कर कि ये इसको छोड़ के ये काम कर, वैसा कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ। बचपन से जब मेरे को पापा भी बोलते हैं मतलब जब मैं कुछ खेला नहीं था तब पापा मेरे को बोल मतलब बोलते थे कि ये खेलने से क्या होगा, मैं उनको समझाता था ये इसके बाद ये लेवल है, ये लेवल है, इसके बाद ये करना है, तो उनको भी थोड़ा आइडिया आया, वो भी जाके 2-3 दिन से बात की कि ऐसा खेल रहा है लड़का है, क्या है, सही जा रहा है या कहीं और जा रहा है, ऐसा ऐसा सब, तो थोड़ा मतलब उस टाइम उनको उनके लिए थोड़ा टफ था ये डिसीजन लेना कि इतना बचपन से ही मैं क्रिकेट तरफ शिफ्ट हो गया, वो उनके लिए भी जी, थोड़ा टफ था। लेकिन फिर फुल फ्रीडम मिला आपको, फिर जब फ्रीडम मिल जाता है जी। फैमिली से तो फिर कहाँ रुकते हैं लड़के। वो कहते हैं कि भाई ये जीत नहीं जवाब है, हर खिलाड़ी का ख्वाब है, उड़ीसा का ये खिलाड़ी खिलाड़ी ये लाजवाब है। निश्चित तौर पर आपने कमाल की खेल दिखाया है, यानी कि आपका युवा कैरियर है, लेकिन जो युवा खिलाड़ी होते हैं वो असरदार होते हैं और युवा खिलाड़ी से हम ज्यादातर उम्मीद लगाते हैं। देखिए अब विराट कोहली से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कब वो शतक बनाए, क्योंकि 2 साल 3 साल से उनके बल्ले से शतक नहीं आया है, लेकिन दीपक हुडा ने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं यंगस्टर के रूप में। पहला मैच में उन्होंने शतक जड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी पारी खेली, लेकिन दीपक हुडा के साथ अब विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो दीपक हुडा क्यों नहीं खेले तो चर्चा होता है, क्योंकि जो यंगस्टर हो आजकल के जो यंगस्टर होते हैं वो ज्यादातर दिमागी तौर पर सेट होते हैं, कुछ कर दिखाने के ख्वाब होता है उनके अंदर, जिसके वजह से आजकल यंगस्टर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। और मेरे विचार तो ये सही है कि आप यंगस्टर को लेकर आइए, उनसे खेल निकालिए और वो कुछ करके दिखाएंगे। तो अब आते हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर, रैपिड फायर राउंड, यानी कि #क्रिकेटवाणी क्लास, आपका और एक बार स्वागत है इस राउंड पे। पहला राउंड हमारा खत्म हो चुका है, पहला सवाल आपके सामने, टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है आपके सामने, जो ऑप्शन में रखूंगा जो एग्जाम्पल रहेगा आपके सामने,
जैक कैलिस, एंड्रू फ्लिंटफ, बेन स्टोक्स, तीन खिलाड़ियों से सिर्फ आपका आपको एक खिलाड़ियों का नाम सबसे ज्यादा जैक कैलिस राइट आंसर। देखिए जब आप बात करते हैं मुथिया मुरलीधरन के बारे में, सबसे ज्यादा विकेट 534 विकेट उनके नाम पे है, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे किसका नाम है? और इतना मैं आपको बता सकता हूं कि एशिया का खिलाड़ी है और एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर रह चुके हैं और एक उंच कोटि के गेंदबाजी रह चुके हैं। आप किसका नाम लेना चाहेंगे एशिया का खिलाड़ी? इस पे कोई नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। यस राइट आंसर। अभी तक भारत के लिए कौन सा वो गेंदबाज है जिन्होंने नो बॉल नहीं डाला है, यानी कि उनका कपिल देव? क्या बात है आप चौका छक्का बहुत बढ़िया तरीके से जड़ रहे हैं इस मैदान के ऊपर। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप कौन सा साल पे पहली बार खेला गया था और उस वर्ल्ड कप का विनिंग टीम का नाम क्या है? ऑप्शन चाहिए आपको? 1977, 1975, 1972 पहली बार वर्ल्ड कप का आदाज हुआ था। नो आंसर। 1975 पे पहली बार वर्ल्ड कप का आदाज हुआ था और उस वर्ल्ड कप पे वेस्ट इंडीज टीम चैंपियन हुआ था। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा कि राहुल द्रविड़ी जो अब भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैच पे वो कुल मिलाकर कितना कैचेस पकड़े हैं? आपके सामने ऑप्शन 215, 210, 212। 212 गलत जवाब। 210, दो ज्यादा आपने बता दिया। 210 कैचेस वो टेस्ट मैच पे पकड़े हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट स्लीप फील्डर उनको माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन में जरूर पूछूंगा क्योंकि आपने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया है। सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच पे कब शुरुआत हुआ था उनका कैरियर और कब खत्म हुआ, वो ईयर को आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कब उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था और कब उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला? फर्स्ट टेस्ट मैच आखिरी तो मुंबई में खेला था वेस्ट इंडीज के साथ, वो ईयर याद नहीं आया। 13, 14। यस, आप जो गेस कर रहे हैं वो सही है। 2013 वो आखिरी टेस्ट मैच था उनका और 1989 जो उनका पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। और कुछ बढ़िया कहानी है, जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तब पाकिस्तान के गेंदबाज उनको जो गेंद डाला था जहां पे वो उनका खून भी निकल गया था और उसके बावजूद उन्होंने वहां पे बैटिंग किया और वकर यूनिस जैसे गेंदबाज को उन्होंने चौका जड़ा, वासिम अकरम जैसे गेंदबाज को उन्होंने सामना किया। तो सचिन रमेश तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ अब जब भी देखते हैं इंडिया क्रिकेट को उठाकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया खेल खेला है। अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर, थोड़ा सा आपका दिल को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं कि ये हुनर ये सादगी ये अपनापन की मूरत नहीं देखी, कि ये हुनर ये सादगी ये अपनापन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखा है हमने मगर आप जैसे शख्सियत नहीं देखी, आप जैसे शख्सियत नहीं देखी। वक्त है गुजर जाएगा, अरे ये दौर क्या हराएगा तुझे, तूने तो जमाना को हरा कर रखा है। कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, और मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने की बहाना ढूंढता है ये जमाना, और मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा पहले मेरा नाम तो होने दो।